अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुफरान बिन याकूब कासमी। नाज़रीन, दारुल उलूम देवबंद ने हाल ही में जो ऐलान जारी किया वो सोशल मीडिया पर आने के बाद चंद तलबा को इस ऐलान से परेशानी हुई, तकलीफ़ हुई। आखिर दारुल उलूम देवबंद ने ये ऐलान क्यों किया, इससे मुतालिक बात करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल गुफरान बिन याकूब कासमी पर पहली मरतबा आए हों तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, सबसे पहले ये बंदर जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसने कल अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें इसने बताया कि मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें बहुत कुछ कह दिया था, तो दारुल उलूम देवबंद ने मेरी मुखालिफत में ऐलान किया है। ये इतना अकल से पैदल है जो बता रहा है कि मेरी मुखालिफत में दारुल उलूम देवबंद ने यह ऐलान जारी किया है। आपको बता दूं कि इन जैसे बंदरों का दारुल उलूम देवबंद से कोई वास्ता नहीं और इन जैसे बंदरों को दारुल उलूम का कोई तालिब इल्म जानता भी नहीं होगा। दूसरी बात, दारुल उलूम देवबंद किसी की मुखालिफत में कोई ऐलान नहीं करता है। मैं एक चीज़ कह देता हूँ तो लोग मुझे उल्टा सीधा कहने लगते हैं। मैं कहता हूँ ये बंदर जिसको भी मैंने दिखाया था स्क्रीन पर, ये इस दौर का सबसे बड़ा मुनाफिक है। अगर कोई अकाबिर उलमा कोई बयान दे दें तो उनको लेकर दौड़ लेता है। दारुल उलूम देवबंद से कोई ऐलान जारी होता है या दारुल उलूम देवबंद कोई फ़ैसला करता है, बस ये बंदर अपने चैनल पर कुत्तों की तरह भौंकता रहता है, कभी बरेलियों की तरफ हो जाता है तो कभी हिंदुओं की तरफ हो जाता है, तरफदारी करता है। ये इस दौर का मैं कहता हूँ सबसे बड़ा मुनाफिक है, सबसे बड़ा वाला मुनाफिक यही है, क्योंकि ये मदरसों के ख़िलाफ़ जहर उगलता रहता है और उलमा इकराम की शान में गुस्ताखी करता रहता है। इसका काम सिर्फ इतना ही है और इसी से इसकी रोज़ी रोटी चलती है। ये बहुत बड़ा बदतमीज़ है। चलिए खैर, अब इस बदतमीज़ के मुँह पर अपना चप्पल शरीफ खींच के मारता चलूँ। और इसकी शक्ल भी देख लीजिए, बंदरों जैसी इसी वजह से हो गई है कि ये मदरसों के ख़िलाफ़ जहर उगलता रहता है और अकाबिर उलमा इकराम की शान में गुस्ताखिया करता रहता है, इसी वजह से इसकी शक्ल बंदरों जैसी हो गई है। खैर, अब बात करूँ दारुल उलूम देवबंद के ऐलान से मुतालिक, तो आपको बता दूँ कि दारुल उलूम देवबंद में सालों से खुद शोबे अंग्रेज़ी है, इसलिए दारुल उलूम देवबंद को अंग्रेज़ी का दुश्मन कहना ये बिल्कुल गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। दरअसल ये है कि तलबा की एक तादाद ऐसी है जो दारुल उलूम देवबंद में बराए नाम दाखिल रहते हैं। अंदरून दारुल उलूम देवबंद में कोई शोबे खुशखती में दाखिला लेकर दारुल उलूम के बाहर कपड़े की सिलाई सीख रहा होता है, तो कोई शोबे रद्द ईसाइत में दाखिला लेकर बाहर अंग्रेज़ी सीख रहा होता है, तो कोई दौरा हदीस शरीफ में दाखिला लेकर बाहर से इफ्ता पढ़ रहा होता है, तो कोई किसी शोबे में दाखिला लेकर बाहर कंप्यूटर सीख रहा होता है। ऐसे तलबा का दारुल उलूम से सिर्फ क़याम और तआम का ताल्लुक होता है, समझने वाली बात है, ना कि तालीम का। सिर्फ क़याम और तआम का ताल्लुक होता है, तालीम का ताल्लुक नहीं होता। चूँकि कौम अंदरून दारुल उलूम देवबंद में पढ़ने वालों के लिए अपनी गाढ़ी कमाई देती है, दारुल उलूम देवबंद ने नान व नफका गलत तरीके से हासिल करने वालों पर शिकंजा कसने की कोशिश की है, इसलिए दारुल उलूम देवबंद का ये इकदाम काबिल तहसीन है, काबिल मुबारकबाद है। इस बात को समझने की ज़रूरत है और ना समझ में आई तो थोड़ा पीछे घुमा के आप वीडियो सुन सकते हैं। मैंने तो बता दिया कि मेरा क्या ख्याल था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं।